एक साल पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी सरकार के समर्थन में विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। विश्वास से भरे इमरान खान ने दावा किया था उनकी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। वो देश के पहले ऐसे पीएम बनेंगे जो पूरे 5 साल हुकूमत करेगा। जनता और सेना दोनों का उन पर भरोसा है। तब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार अपना आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। 21 मार्च 2021 का दिन था जब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई की ओर से पाकिस्तान की 343 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में रखे गए विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। सरकार के समर्थन में 178 वोट पड़े थे जबकि विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया था। लेकिन एक साल बीतते बीतते पाकिस्तान में राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। अब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सभी विपक्षी दलों ने गठबंधन तैयार किया है। इमरान खान की सरकार ने भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए 25 मार्च को नेशनल असेंबली का सत्र बुला लिया है। लेकिन सत्र बुलाने से पहले ही पीटीआई में बगावत हो गई है। पार्टी के 24 सांसद बगावत पर उतर आए हैं। इन बागी सांसदों ने इस्लामाबाद के सिंध हाउस में शरण ले रखी है जो कि सिंध सरकार की संपत्ति है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है और पीपीपी विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गई है, जिस कारण से इमरान खान की सरकार अपने बागी सांसदों तक नहीं पहुंच पा रही है। इमरान खान की ओर से बागी सांसदों को अयोग्य घोषित कराने का डर भी दिखाया जा रहा है। 14 सांसदों को पीटीआई की शिकायत पर नेशनल असेंबली के स्पीकर ने कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। 343 सदस्य पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में बहुमत का आंकड़ा 172 का है। इमरान खान की ओर से अब तक 178 सदस्यों के समर्थन का दावा किया जा रहा था। ऐसे में अगर 24 सदस्यों को अयोग्य ठहरा दिया गया तो बहुमत का आंकड़ा घटकर 160 हो जाएगा, जबकि सरकार के पास 156 सदस्य ही बचे हैं, वो भी तब जब सहयोगी दल साथ ना छोड़े। लेकिन इमरान सरकार की परेशानी यहाँ भी कम नहीं हो रही है क्योंकि उनकी सरकार को समर्थन दे रहे सहयोगी भी साथ छोड़ते दिख रहे हैं। इमरान को आखिरी उम्मीद सेना से थी, लेकिन सेना के चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी इमरान का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में क्या इमरान की सत्ता जाने वाली है? दावा किया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले ही इमरान खान इस्तीफा दे दे।